आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं वही मैं हूं। याद आया कुछ? मूसा मोसेस की कहानी मैंने सुनाई थी, इस पर बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताया था, आई एम दैट आई एम बोल करके कैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं कोई भी चीज को। तो आज हम मूसा की एक और कहानी सुनेंगे, मोसेस की एक और कहानी सुनेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि ग्रेटिट्यूड, एहसानमंद होना, थैंकफुल होना कितना ज्यादा काम करता है। पता है मुझे, आपको पता है कि एहसानमंद होना कितना जरूरी है, लेकिन आज इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी कि एहसानमंद कैसे होना है, किस तरीके से होना है, कैसे भाव पैदा करने हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है, हमें पता तो होता है लेकिन क्या करना है ये पता तो होता है, लेकिन अंदर से कैसे होगा ये पता नहीं होता। ये बिल्कुल गिटार बजाने या बांसुरी बजाने जैसा है। मालूम है कि बांसुरी बजती है, फूंक मारने से बांसुरी बजती है, मालूम है उंगली घुमाने से गिटार बजते हैं, लेकिन वो टेक्निक जो अंदर से बाहर निकलता है वो सीखना होता है, और कोई ना कोई आपको सिखाता है। तो आज मैं आपको वही चीज़ इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेटिट्यूड कहाँ से करना है, कैसे करना है और कैसे अंदर से निकलेगा। जैसा कि हम मूसा के बारे में जानते हैं कि मूसा को परमात्मा दर्शन देते थे, परमेश्वर दर्शन देते थे छोटे से बच्चे के रूप में, और उनसे वो बातें किया करते थे। तो मोसेस रोज अपनी प्रार्थना के समय परमात्मा से बात करते थे, और जो वहाँ आसपास की जो जनता थी जो मोसेस को बहुत मानते थे, वो सब अपनी प्रार्थनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी विशेष बताने के लिए मूसा के पास आते थे, और मूसा उनकी वो सारी प्रार्थनाएं लेकर के परमात्मा के पास जाते थे जब वो प्रार्थना करने जाते हैं, है ना। तो एक समय की बात, मूसा अपनी प्रार्थना के लिए जा रहे थे, शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि लोग उनसे अपनी अपनी विशेष बोल रहे हैं। एक आदमी बैठा हुआ है जो आराम से बैठा है, उसको कुछ नहीं, वो मुस्कुराता हुआ बैठा है। मूसा को बड़ी हैरानी हुई, सब मुझसे मांगने पे तुले हुए हैं, ये अकेला है कि मुस्कुराता हुआ बैठा है। वो गए और उनसे बात किया कि भाई तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें भी कुछ लगेगा, मैं दुआ करने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ लगे तो बताओ। तो वह इंसान बोला, देखो आप देख रहे हैं कि मैंने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे, मेरे पास मोती की माला है, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे, देखो मैंने कान में इतने अच्छे आभूषण पहन रखे हैं, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे पास सब कुछ है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि अपने खुदा से जाके कहना कि मुझे अब देना बंद कर दे, मेरे पास सब कुछ बहुत है और बहुत ज़्यादा है। ये जो लोग बहुत मांग रहे हैं, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है, जिनको बहुत कमियां हो रही है, उन्हें देना शुरू कर दे, मुझे उन्होंने बहुत दे दिया और इस बात का उन्हें शाके शुक्रिया अदा कर देना। मोसेस बड़े खुश हुए, हैरान भी हुए, और बस उन्होंने ये मुस्कान अपने चेहरे पे मुस्कान भरी और बस वो आगे बढ़ने लगे। उतने में एक आवाज आती है, सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, मूसा भाई मूसा भाई, ये जो मना कर रहा है वो मुझे दिला दो। मूसा देखे कौन है भाई ये, देखे तो वहाँ एक भिक्षुक, एक भिखारी, एक गरीब बैठा हुआ था, ऐसे एक टॉवल लपेट करके, एक कपड़ा लपेट करके। मूसा बोले, उसको देख के बड़ी दया आई उनको कि कैसी स्थिति में बैठा हुआ है। हाँ भाई बोलो क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मुझे भाई धन संपत्ति दिलाओ, मुझे मेरे लिए दुआ करो कि मेरे को खाने के लिए मिले, मेरे को धन संपत्ति मिले, मेरे को घर मिले, मेरे को कपड़ा मिले, मेरे को परिवार मिले, ये जो बहुत जिस चीज़ के लिए मना कर रहा है, जिसको दिए पड़ा है तुम्हारा खुदा, उसको मना करो और मुझे दिलवाओ। मूसा उसको देख करके, उसकी उस बिहेवियर को देख के हैरान हुए, दोनों के ही बिहेवियर को देख के हैरान हुए। एक के पास सब कुछ है बोलता है नहीं चाहिए, एक के पास कुछ नहीं है बोलता है बहुत कुछ चाहिए, और दोनों का रवैया बड़ा अलग है। एक सब कुछ होने के बाद ना बोल नहीं चाहिए भी बोल रहा है, बड़े ही पोलाइट तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से, और एक जो जिसको चाहिए वो ऐसे बोल रहा है जैसे कि बंदूक दिखा के कोई डकैती कर रहा है, मतलब कि कोई एहसान कर रहा है। कोई बात नहीं, मूसा अपने आगे बढ़े और जा करके अपने प्रार्थना के समय में जब बैठे, तो बच्चे के रूप में उनके सामने फिर से परमात्मा आए, और मूसा ने बताई ये बात कि एक बोलता है कि कुछ नहीं चाहिए, एक बोलता है ये सब चाहिए, क्या बताऊँ, क्या जवाब दूँ उनको।
परमात्मा ने उनसे कहा कि जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको बोल कि शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। ये जो रोज शुक्रिया अदा करता है, रोज मुझे जो गिनाता रहता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है, शुक्रिया, ये जो रोज तू गिनाता रहता है ये बंद कर दे, तेरे को मिलना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वो कम भी होगा, ठीक है। और दूसरे के लिए जाके बोल कि तू एहसान गिनना शुरू कर दे, जो जो उसके पास है, जो जो तेरे पास है, वो सबके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे और उसको मिलना शुरू हो जाएगा। मूसा वापस आए और उन्होंने ठीक ऐसा ही कहा, पहले बंदे से जाके कहा भाई तू शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, तेरा ये जो तेरे को मिल रहा है बहुत ज्यादा वो बंद हो जाएगा। वो हंस के बोला अरे कैसी बात करते हैं मूसा भाई आप, कैसे बंद कर दूं शुक्रिया अदा करना, इतना कुछ दिया है इस खुदा ने मेरे को देना, इतना कुछ दिया है, मैं पहले मेरी जिंदगी कैसी थी और अब कैसी है, देखो मैं शुक्रिया अदा करना बंद नहीं कर सकता, मैं मर भी जाऊं, मैं नींद में भी, मैं सोता भी रहूं, मैं बेहोश हो जाऊं तो भी मैं शुक्रिया अदा करता रहूंगा, मेरा रोम रोम शुक्रिया अदा करते रहता है हमेशा, आप मेरे मुंह से भी बंद करा देंगे तो भी मेरा शरीर का एक एक कण शुक्रिया अदा कर रहा है, मैं एहसान से भरा हुआ हूं उस खुदा के लिए, मैं नहीं बंद कर सकता। मूसा बहुत खुश हुए, ये होता है बंदा, ये होता है इंसान। फिर वो मूसा पलटे और दूसरे को बोले भाई सुन, तू एक काम कर, तू अब से तेरे पास जो भी बचा है, जो भी है, जैसी भी तेरी स्थिति है, वहां से तो शुक्रिया अदा करना शुरू कर। वो बंदा चढ़ गया, एक तो मेरे पास खाने के लिए नहीं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास परिवार नहीं, मेरा कोई पूछने वाला नहीं, किस चीज के लिए शुक्रिया अदा करूं, इस कपड़े के लिए जो इकलौता मैंने पहन रखा है, ये इस टॉवल के लिए मैं शुक्रिया अदा करूं। बस इतना कहना था कि उधर से हवा चली और ये कपड़ा भी उड़ गया। समझ में आया कुछ, ये कपड़ा भी उड़ गया, मतलब कि एक लौती चीज उसके पास बची थी। हालांकि आप देखेंगे तो उसके हाथ पैर सलामत है, आंखें सलामत है, सेहत सलामत, सब कुछ ठीक है, उसके हिसाब से उसके पास इकलौती चीज बची थी जिसके लिए भी उसने खुदा को कोस दिया कि इस कपड़े के लिए शुक्रिया अदा करूं जो मैंने ढक रखे हैं, वो कपड़ा भी उड़ गया। क्या समझ में बहुत ही प्यारी बात कि जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, एहसान मानो, शुक्रिया अदा करो। समझ में आया? मेरा एक दोस्त है जिसको ना आंखों में मोटा चश्मा है और डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद आंखें ठीक हो जाएगी, चश्मा मतलब पतला हो जाएगा, अभी बिना चश्मे के दिखता भी नहीं। ऑपरेशन में करीब करीब 1 लाख का खर्चा है, 1.5 लाख भी हो सकता है, दवाइयां वाइयां मिला लो, 1 से 1.5 लाख का खर्चा है, उससे चश्मा पतला हो जाएगा और अब दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर का कहना है। एक बार गहरी सांस लो और सोचो, आंखों को छू करके देखो, आपकी आंखों में चश्मा तो नहीं, दिखाई तो दे रहा है, प्रॉपर दिख रहा है ना, बधाई हो, आपके 1.5 लाख रुपए बच गए, बधाई हो, 1.5 लाख रुपए बच गए आपके। और ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, असली घटना है मेरे दोस्त का, इसलिए बता रहा हूं। अगर आपका ये अंगूठा भी ढंग से काम नहीं कर रहा होगा ना, सेंस नहीं आ रहा होगा ना, उससे 5 लाख का खर्चा होगा तो आप कराने को तैयार हो जाओगे, अगर आपके पास 5 लाख रुपए होंगे तो, नहीं तो रोज इसके सोच सोच के रोगे कि मेरा अंगूठा जैसे काम नहीं करता। आ रहा है समझ में बेटा? बहुत लोगों के पास बहुत सारी चीजें नहीं है, आपके पास जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, बहुतों के पास नहीं है, वहां से शुक्रिया अदा करो और देखो कैसे बढ़ेगा चीजें, क्योंकि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी है, आपके अंदर पाने की फ्रीक्वेंसी है। देखो ये बिल्कुल सच है कि आपको मिलेगा तो आप थैंक यू बोलोगे, बोलते हो ना, आपको कोई चीज मिला तो आप थैंक यू बोलते हो, तो आपको बस ये समझना है कि ये बिल्कुल वैसे मिला, थैंक यू बोला, थैंक यू बोला, मिला, मिला, थैंक यू बोला, मिला, मतलब कि अगर मिलने पर थैंक यू बोलोगे तो थैंक यू बोलने पर मिलेगा, ये बिल्कुल सच है। तो जिंदगी में जो भी चाहिए, थैंक
थैंक यू करो, पहले थैंक्स गिविंग करो। ये शरीर सलामत है, कपड़े अच्छे हैं, बाल अच्छे हैं, घड़ी अच्छी है, ब्रेसलेट अच्छा है, रूप रंग अच्छा है, हाँ नाक अच्छे हैं, कान अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, ऑफिस है, लाइट है, कैमरा है, आप लोग जैसे इतने अच्छे मेरे दोस्त लोग हो जो इतना प्यार देते हो मुझे, मेरे वीडियोस को इतना सराहते हो, इतना कुछ है एहसान मानने के लिए। आई बात समझ में? तो ये कहानी को अपने अंदर बसा लो, ठीक है जी। आज के अध्याय में इतना ही, मिलेंगे आने वाले अध्यायों में नई कहानियों के साथ, नई मैनिफेस्टेशन के साथ। नमस्ते जी।